नमस्कार, मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित कर्मियों को निलंबित करने का दिया निर्देश जिला मजिस्ट्रेट राजीव रतला ने, और कहा रीपोल मुक्त मतदान कराना प्रशासन का लक्ष्य। जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी एवं ड्रामा प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। जीआरपी गोरखपुर के मनभड़ जवानों ने युवक का तोड़ा पैर, शिकायत करने पर दी जेल भेजने की धमकी। आईजी का गोद लिया प्राथमिक विद्यालय, बना दूसरे विद्यालयों के लिए नजीर। वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का हुआ समापन। पुलिस अधिकारियों की पत्नियों ने मलिन बस्ती में मनाया बाल दिवस, कहा आगे भी होते रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम। 18 नवंबर को होगा व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन, व्यापारियों की समस्याओं पर होगी चर्चा। कालीबाड़ी के महंत रविंद्रनाथ ने कहा कि सीताराम जायसवाल ही कर सकते हैं शहर का चहुमुखी विकास। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत चौबे ने कहा सीताराम शहर का विकास करने में सक्षम। यातायात मार्ग के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली यातायात जागरूकता रैली। एनी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ स्काउट्स का दीक्षांत समारोह, रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ कप बुलबुल महोत्सव। गोरखनाथ पूर्वांचल विकास मंच ने दिया भाजपा को समर्थन। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं का कार्य विभाजन के साथ जिम्मेदारी तय करने का दिया आदेश। गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के संबंध में कमिश्नर अनिल कुमार ने आयुक्त सभागार में की बैठक। जिलाधिकारी शनिवार को करेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माण कार्यों का निरीक्षण। और सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आगाज, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर ली हिस्सेदारी। समाचार विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट राजीव रौतेला ने चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। दीक्षा भवन में आयोजित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद मतदान के लिए 21 नवंबर को उपस्थित न होने वाले कर्मियों की सूची के अनुसार ये कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक कर्मियों को दक्ष बनाना है, ताकि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से मतदान करा सके। उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को आह्वान किया कि वे पूरे मनोयोग से रुचि के साथ कार्य करें। वे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मतदान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने गौरवान्वित भी होना चाहिए। ये लोकतंत्र का उत्सव है। उन्होंने कहा कि रीपोल मुक्त मतदान कराना प्रशासन का लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए आप सभी सहयोग करें। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 836 मतदान पार्टी में एक महिला कर्मिक भी तैनात की जाएगी। महिला कर्मिक मतदान दल के साथ 21 नवंबर को मतदेय स्थल पर जाएगी। पूरी मतदान पार्टी के लिए बस की व्यवस्था है, मुकम्मल सुरक्षा रहेगी। नगर क्षेत्र का मतदान है, इसलिए नगर में ही ड्यूटी करना है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूरी मतदान प्रक्रिया के साथ ही ईवीएम संचालित करने की ट्रेनिंग कमरों में जाकर प्राप्त कर लें। मतदान मेयर तथा पार्षद के पद के लिए होगा। केवल 3 वार्ड हैं जहां 16 से अधिक उम्मीदवार हैं, इसलिए वहां एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगेगी। उन्होंने सभी मतदान कर्मिकों को शुभकामनाएं दी। उप निदेशक प्रभारी अधिकारी कार्मिक विजयनाथ मिश्रा ने बताया कि नगर निगम में 1 से 20 वार्ड तक के मतदान कर्मी विश्वविद्यालय के किरणा स्थल, 21 से 40 वार्ड के कर्मी कॉमर्स भवन से तथा 41 से 70 वार्ड के मतदान कर्मी कन्वेंशन सेंटर से प्रस्थान करेंगे। मतदान कराकर वापस आने पर यही ईवीएम जमा होगा तथा स्टेशनरी अलग काउंटर पर जमा करना होगा। इस अवसर पर मतदान कर्मियों ने कमरों में जाकर ईवीएम संचालित किया तथा पेपर सील लगाने का तरीका सीखा। उन्होंने मतदान भी किया। इसके पूर्व जिला मजिस्ट्रेट ने वाणिज्य संकाय तथा कनेक्शन हॉल में जाकर ईवीएम में मतदान की सेटिंग तथा सील होने की कार्रवाई देखा। उन्होंने निर्देश दिया कि मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था रखें। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी CDO अनुज सिंह, ADM CB त्रिपाठी, प्रभु नाथ, बलराम सिंह भी उपस्थित रहे। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में शुक्रवार को जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी एवं ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाल विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडलों को तैयार किया और उसके बारे में जानकारी दी। क्या नाम है आपका? सर योगेश त्रिपाठी। किस क्लास में है? 11। ये जो मॉडल बनाया है क्या है ये? सर ये स्मॉग को
प्यूरीफाई करेगा और अच्छी एयर सबको सप्लाई करेगा। कैसे काम करता है ये? सर यहाँ पे मैंने एक फ़ैन लगाया है और यहाँ ये इस फैन से वो स्मोक को अंदर खींचेगा। ये एक एग्जॉस्ट फैन है। अब क्या होगा कि जब अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स होंगे, जितने भी कार्बन पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया है। मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ। मोहरीपुर निवासी रामलौट पासवान ने शुक्रवार को जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जीआरपी गोरखपुर के मनभड़ सिपाहियों ने उसका पैर मारकर तोड़ दिया है। रामलौट ने बताया कि मोहरीपुर स्थित हमारे घर में दर्जन भर जीआरपी के सिपाही आए और हमें पकड़कर थाने ले गए। मुझ पर आरोप लगाया कि तुम्हारे घर के किराएदार चोर हैं। मैंने कहा कि हमारे किराएदार चोर हैं तो हम क्या करें, आप पहले ही उन किराएदारों को जेल भेज चुके हैं। तभी जीआरपी के मिथिलेश और हरविंदर ने हमें गालियां दी और हमें मारने पीटने लगे। इसके बाद वो दोनों मेरे पैर पर चढ़ गए, जिससे हमारा पैर टूट गया और घायल अवस्था में उन्होंने हमें रोड पर ले जाकर छोड़ दिया। हमें धमकी दी कि यदि तुमने हमारे खिलाफ़ कोई शिकायत की तो तुमको भी जेल भेज देंगे, जैसे तुम्हारे किराएदारों को जेल भेजा है। कौन पकड़ उठा ले गया? जीआरपी। क्या नाम है? मिथिलेश नाम है, हरविंदर सिंह नाम है। हरविंदर और मिथिलेश। कहाँ से ले गए थे आपको? मोहरीपुर पास ही अपने घर ही से। आपको मारे भी? हाँ मारे और गोड़ दिया। प्राथमिक विद्यालय का नाम लेते ही जहन में जो ख्याल आते हैं उनसे आप सब वाकिफ ही होंगे। टूटी फूटी इमारत जिसमें टीचर कभी कभार ही अवतरित होते हैं और पढ़ाई की गुणवत्ता तो जग जाहिर है, मगर आज जो खबर हम अब आपको दिखाएंगे उस पर आपकी आंखें भरोसा नहीं करेंगी और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। क्या ऐसे भी होते हैं प्राथमिक विद्यालय? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के IG मोहित अग्रवाल के गोद लिए हुए प्राथमिक विद्यालय की। आपको बताते चलें कि गोरखपुर के IG मोहित अग्रवाल ने अभी हाल में ही पिपरौली ब्लॉक के जैतपुर गांव को गोद लिया है। आज इस विद्यालय का वार्षिक खेलकूद का कार्यक्रम था, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय के सुंदर एवं स्वच्छ मैदान में किया गया। IG मोहित अग्रवाल की अनूठी पहल ने जहां एक ओर इस प्राथमिक विद्यालय की किस्मत पलट दी, वहीं दूसरी ओर सरकार के हकीमों को भी ये संदेश दिया गया कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, बस ज़रूरत है एक सकारात्मक सोच के साथ कुछ कर गुजरने वाले जज्बे की। विद्यालय के खेलकूद के समापन समारोह पर उपस्थित IG मोहित अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया। आज हमारे समाज न केवल पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है बल्कि अच्छे नागरिकों की जरूरत है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उन पर ध्यान दिया जाए, हम एक अच्छे नागरिक तैयार करें देश के लिए। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर इस जीतपुर सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उन पर भी ध्यान दे रहे हैं। हर शनिवार यहाँ पर बच्चों की कोई ना कोई प्रतियोगिता, कभी चित्रकारी प्रतियोगिता, डिबेट प्रतियोगिता, खेलकूद से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उसी के तहत आज यहाँ पर इनका एनुअल गेम्स डे भी यहाँ पर स्कूल डे मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे जो है बहुत ही उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले समय में जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनको हम सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी कराने जा रहे हैं ताकि वो अपने को स्वयं को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा हम बाहर से गेस्ट लेक्चरर्स बुला करके आज के सामयिक टॉपिक्स जैसे महिला सशक्तिकरण है या सफाई अभियान को लेकर के इस पर भी बच्चों को विस्तार से लेक्चर देते हैं और लेक्चर देने के बाद उनकी निबंध प्रतियोगिता समय समय पर करवाते हैं। यूथ वेलफेयर एसोसिएशन एवं गोरखपुर पुलिस ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर के हावर्ड बांध स्थित मलिन बस्ती में बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बच्चों को पढ़ाई के महत्व के विषय में बताया गया, साथ ही उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी किया गया।
इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पत्नी श्रीमती राजी सत्यार्थी उपस्थित थीं। मलिन बस्तियों के बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसमें सरल एवं सुबोध तरीके से बच्चों को पठन पाठन भी कराया गया। हमारे गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए श्रीमती राजीव सत्यार्थ ने बताया, अपने सकारात्मक कदम के बारे में यूथ लिटिन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रत्नेश तिवारी ने हमारे गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से कहा। होना चाहिए बात नहीं, यहाँ बात हो रही है ना, वाइफ है, उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है और इसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ सकें, जो समाज में योगदान दे सकें। और आज हम यहाँ ये जो एनजीओ है युवा इंडिया, इनकी टीम यहाँ पर बहुत बेहतर बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये पुरानी जेल है, उसकी मलिन बस्ती के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है और हम लोग आज सब मिलकर यहाँ इनके साथ बाल दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सर, पिछले 14 महीने से इन बच्चों के पीछे हम एक एक करके जोड़ के आज 132 बच्चों को जोड़ पाए हैं। अभी भी जो हमारा सर्वे है उससे ये पता चला है कि 550 से ज़्यादा बच्चे हैं आसपास में, सबको यहाँ पर लाने का एक प्रण लिया गया है। उसी के साथ इन बच्चों को अच्छा मुहिम के तहत हम लोग पढ़ा रहे हैं। आजी साहब ने जिस विद्यालय को गोद लिया है, अपने आप में एक नज़ीर है, एक एग्जाम्पल बन गया कि कॉन्वेंट स्कूल भी शर्मा जाए उसको देख के। चलिए, बिल्डिंग ना सही और भी सामग्रियाँ ना सही, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता के लिए आप क्या उस तरह का कोई प्रयास करेंगे यहाँ पर? जी सर, हम लोगों ने प्रयास किया है, मैम ने हमारी बात रखी है, मैम और कमिश्नर मैम ने एक ऐसा हमारे साथ मिल के यहाँ पर एक स्कूल बनाने का कोशिश हम करेंगे कि सरकार हमारी मदद करे। कम से कम इतने ही जगह में एक स्कूल दे देगी तो इन 500 बच्चों को हम यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। पूर्वांचल व्यापारी महासंघ के तत्वावधान में व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन 18 नवंबर को 3:30 बजे किराना अतिथि भवन में किया गया। व्यापारी महासम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए पूर्वांचल व्यापारी महासंघ के उपाध्यक्ष भोला प्रसाद अग्रणी ने बताया कि सम्मेलन में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के साथ ही GST की अन्य खामियों को दूर करने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह एवं भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी सीताराम जायसवाल मौजूद होंगे। 3:00 बजे किराना मंडी में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है मंडी, कृषि मंडी के बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री जो है उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि 1 टैक्स स्लैब के अंदर हम लोगों का मंडी हटाया जाए उत्तर प्रदेश से। दूसरा, GST में अभी बहुत से अमेंडमेंट करना है, उसके बारे में सरलीकरण हो, इस संबंध में हमारा व्यापारी महासम्मेलन हो रहा है। कालीबाड़ी के महंत रविंद्रनाथ ने शुक्रवार को भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी सीताराम के पक्ष में पत्रकार वार्ता कर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को देश के टॉप शहर के रूप में देखना चाहते हैं और इस कार्य के लिए उन्होंने सीताराम जायसवाल को महापौर पद के लिए उतारा है। उन्होंने कहा कि सीताराम के महापौर बनने से शहर का चहुमुखी विकास होगा। महापौर का गोरखपुर नगर निगम से महापौर के लिए खड़ा किया गया और गोरखपुर के विकास के लिए गोरखपुर, नया गोरखपुर, अच्छी गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर बनेगा, नया शहर बनेगा, जो कि देश देश के लोग, गोरखपुर तपोभूमि, गोरखनाथ जी की तपोभूमि भी है, गीता प्रेस भी तपोभूमि है, देश देश के लोग आते हैं, लेकिन गोरखपुर शहर को, केवल गोरखपुर शहर को लोग देखने आएंगे कि गोरखपुर कितना सुंदर शहर है, कितना बढ़िया विकास होगा, कितना बढ़िया विकास है गोरखपुर की, स्वच्छ वातावरण, 20-20 हज़ार रुपये हर गरीब को दिया गया है शौचालय के लिए, 20-20 हज़ार रुपये, जिसके पास शौचालय के साधन नहीं है, मकान के पास नाली है कि नहीं है, अच्छी नाली बनेगी, पर्यटन के दृष्टि से भी कुछ होगा यहाँ पर, ये अच्छी सड़कें बनेगी, पर्यटन के दृष्टि से भी कुछ होगा काम, पर्यटन के दृष्टिकोण से रामगढ़ ताल द्वारा बहुत अच्छा, पर्यटन विभाग द्वारा जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खेल कूद के लिए, और महाराज जी की काफ़ी इच्छा है कि नगर निगम द्वारा, सीताराम जी के द्वारा जो है नगर के विकास के लिए
मीडिया वालों के लिए भी, रोजी रोटी के लिए, आय व्यय के लिए, उसकी आवास के लिए, जो वीर बहादुर सिंह मीडिया वाले के लिए आश्वासन भी दिए थे, मीडिया वाले के लिए, पत्रकारों के लिए सोचे थे कि मीडिया वाले को परमानेंट मकान उपलब्ध हो, उसकी रोजी रोटी अच्छी तरह से चले, इस चीज़ को महाराज जी साल दो साल में सब काम को पूरा करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत चौबे ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सीताराम जायसवाल भाजपा के महापौर पद के सुयोग्य एवं कर्मठ प्रत्याशी हैं और वो शहर का विकास करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करने वाली पार्टी है और सीताराम जायसवाल सभी को साथ लेकर शहर का विकास करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, फार्मूला है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर केंद्रित होकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, निकाय चुनाव चल रहे हैं। चूंकि हम किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2022 तक किसानों की आय कैसे दुगनी हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। निकाय चुनाव है, आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ गोरखपुर की जनता से ये अपील करने के लिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बीरेंद्र सिंह मस्त सांसद भदोही ने एक किसान सेना का गठन किया है। किसान सेना का काम यह है कि 10 लोगों की टीम हर जिले में जाएगी और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसानों के लिए जो भारत सरकार और हमारी माननीय योगी जी की सरकार कार्य कर रही है उस कार्य को प्रचार प्रसार करना ये किसान सेना का काम रहेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है, हर प्रदेशों में लागू है, लेकिन चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, गुजरात में भी चुनाव हो उसके लिए लागू किया। पुलिस द्वारा मनाए जा रहे यातायात माह के तहत शुक्रवार को इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने चेतना तिराहे से यातायात जागरूकता रैली निकाली। रैली को SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली बच्चों ने बैंड बाजा के साथ हाथों में यातायात के प्रति जागरूक करने वाली स्लोगन लिखी तख्तियों को लेकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। एनी रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड गोरखपुर के तत्वावधान में स्काउट दीक्षांत समारोह का आयोजन कौवा बाग स्थित एनी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्य संरक्षक अधिकारी NK अभिषेक सहित कॉलेज के स्काउट्स मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि ने स्काउट्स गाइडों से परिचय प्राप्त किया और बाद में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने स्काउट्स को बैज एवं रिबन भी प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में कॉलेज के स्काउट्स द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दीक्षांत समारोह के साथ साथ स्कूल द्वारा कप बुलबुल महोत्सव का भी आयोजन किया गया। गोरखनाथ पूर्वांचल विकास मंच ने अपना समर्थन भाजपा मेयर प्रत्याशी सीताराम जायसवाल को दिया है। इस बात की जानकारी विकास मंच के संरक्षक ममता लाल यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया, गोरखनाथ पूर्वांचल विकास मंच का मैं प्रदेश संयोजक हूँ, जिसके मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके द्वारा ये संगठन संचालित होता है। पिछले 17 वर्षों से ये सामाजिक सांस्कृतिक
रूप से शहर में का कार्य कर रहा है संगठन, और यह संगठन हिंदुवादी संगठन का भी समर्थन करता है। इसलिए सीताराम जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शहर से महापौर के, उनका गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच पूरी तरह से सभी कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन कर रहा है। और महापौर के चुनाव में गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सभी कार्यकर्ता पूरे शहर गोरखपुर में जहाँ जहाँ कार्यकर्ता हैं वहाँ वहाँ अपने स्तर से सीताराम जायसवाल के लिए लगे हुए हैं। कार्यदायी संस्थाओं को अब अपने सहायक एवं अवर अभियंताओं का कार्य विभाजन करना होगा तथा जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस आशय का आदेश जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने दिए। वे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण सहकारी संघ द्वारा जिले में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए निर्माणाधीन हॉस्टल के निरीक्षण में सहायक अभियंता ने बताया कि उनके पास एक काम है, जबकि अवर अभियंता ने बताया कि उनके पास पिछले 12 महीनों से छात्रावास के अलावा और कोई काम नहीं है, जबकि छात्रावास का काम एक साल से ठप है। आशय यह है कि अवर अभियंता ने एक साल में कोई काम नहीं किया और पूरे माह का वेतन लिया। इस स्थिति में जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया तथा कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता प्रोजेक्ट मैनेजर को उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सहायक एवं अवर अभियंताओं को कार्य विभाजन करें तथा उसकी सूचना दें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा नवीन संकेत राजकीय मुकबधिर बालिका इंटर कॉलेज दौलतपुर बनवा रहा है। 9,87,00,000 की लागत से बनने वाले इस भवन पर 4,68,00,000 रुपए व्यय भी हो गए हैं। दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह ने बताया कि इस भवन तक पहुंचने के लिए मार्ग का विवाद बना हुआ है। जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, सभागार, प्रधानाचार्य आवास, आंतरिक मार्ग को मार्च 2018 में पूरा करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर राम धनी राम ने बताया कि टाइप 4 तथा 3 के 2-2 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्यूबवेल का काम 90% पूरा हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम हेतु नाला निर्माण का काम चल रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर निगम के अभियंता के साथ जाकर इसकी निकासी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सदर तहसील के आवासीय एवं अनावासीय भवन, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टेडियम भवन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी मैदान, मेस, टॉयलेट, सीवरेज के निर्माण कार्यों की प्रगति जांचा। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण सहकारी संघ द्वारा बनवाए जा रहे ITI सैजनवा तथा चौरी चौरा नर्सेज हॉस्टल की भी समीक्षा किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता विनय सिंह को निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्वयं निरीक्षण कर रिपोर्ट तथा इसका निर्माण पूरा होने का संभावित समय बताएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि नियमित रूप से निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें तथा उसकी रिपोर्ट दें। गोरखपुर पर्यटन संस्कृति इको टूरिज्म के विकास के दृष्टिगत जनवरी माह में 11, 12 एवं 13 जनवरी 2018 को गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के संबंध में कमिश्नर अनिल कुमार ने आयुक्त सभागार में बैठक करके कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बैठक में बताया कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के किरणा स्कूल में किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव में पारंपरिक खेलकूद जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों के द्वारा स्वच्छता रैली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही शिल्प मेला एवं बॉलीवुड के कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बच्चों के मनोरंजन के लिए बाल फिल्म महोत्सव के आयोजन की भी योजना है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों तथा साहित्य, कला, अध्ययन, पत्रकारिता, लेखन, लोक कला एवं सामाजिक कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी सम्मानित किए जाने की योजना है। बैठक के दौरान क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लिया गया है, जिसमें जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण शामिल हैं। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए भी छोटी छोटी सब कमेटी भी बनाई जा रही है। बैठक में जिलाधिकारी राजीव रौतेला, GDA VC वैभव श्रीवास्तव, GIDA की CEO हर्षिता माथुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध सत्यार्थ पंकज, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सहित विद्युत, मनोरंजन, संस्कृति, जल निगम, DIOS बेसिक शिक्षा, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सहित दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के अधिकारी गण तथा इंजीनियर PK मल उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का 18 नवंबर को 11 बजे निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। महानगर के सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज का वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कॉलेज के स्पोर्ट्स मीट ग्राउंड में किया गया। महाविद्यालय के वार्षिक खेल उत्सव में मुख्य रूप से कॉलेज के प्राचार्य जे के लाल, उप प्राचार्य प्रोफेसर एस डॉन एवं प्रोफेसर बी पी सिंह मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज का वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। स्पोर्ट्स मीट के आज पहले दिन 100 मीटर पुरुष रेस एवं 100 मीटर महिला रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। 2 दिनों तक चलने वाले खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न श्रेणियों के प्रतिभागी भाग लेंगे। वार्षिक स्पोर्ट्स मीट के बारे में गोरखपुर न्यूज को जानकारी देते हुए कॉलेज के उप प्राचार्य प्रोफेसर एस डॉन ने बताया कि कम से कम 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और करीब 6 इवेंट मीट जो है यही चलानी पड़ी है। तो ये उत्साह देखते हुए जहां प्रतिवर्ष 20-25 बच्चे भाग लेते थे, इस बार 50-60 बच्चों, लड़कियों में उत्साह ये है कि जहां 10 बच्चियां कोयने पर नहीं मिलती थी, वहां कम से कम 25-30 बच्चियों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि बच्चों में उत्साह इस खेल को लेकर है। धन्यवाद। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित कर्मियों को निलंबित करने का दिया निर्देश जिला मजिस्ट्रेट राजीव रौतेला ने और कहा रीपोल मुक्त मतदान कराना प्रशासन का लक्ष्य। जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी एवं ड्रामा प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। जीआरपी गोरखपुर के मनभड़ जवानों ने युवक का तोड़ा पैर, शिकायत करने पर दी जेल भेजने की धमकी। आईजी का गोद लिया प्राथमिक विद्यालय बना दूसरे विद्यालयों के लिए नजीर। वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का हुआ समापन। पुलिस अधिकारियों की पत्नियों ने मलिन बस्ती में मनाया बाल दिवस, कहा आगे भी होते रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम। 18 नवंबर को होगा व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन, व्यापारियों की समस्याओं पर होगी चर्चा। कालीबाड़ी के महंत रविंद्रनाथ ने कहा कि सीताराम जायसवाल ही कर सकते हैं शहर का चहुमुखी विकास। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत चौबे ने कहा सीताराम शहर का विकास करने में सक्षम। यातायात माह के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली यातायात जागरूकता रैली। एनी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ स्काउट्स का दीक्षांत समारोह, रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ कप बुलबुल महोत्सव। गोरखनाथ पूर्वांचल विकास मंच ने दिया भाजपा को समर्थन। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं का कार्य विभाजन के साथ जिम्मेदारी तय करने का दिया आदेश। गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के संबंध में कमिश्नर अनिल कुमार ने आयुक्त सभागार में की बैठक। जिलाधिकारी शनिवार को करेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माण कार्यों का निरीक्षण और सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आगाज, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर ली हिस्सेदारी। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।